हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि शेयर कंपनियां कैसे इश्यू करती है, उनका फॉरफीचर कैसे करती है और री इश्यू कैसे करती है। इस वीडियो के दो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। पहला, यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आपको शेयर का इश्यू करना, फॉरफीचर करना और री इश्यू करना समझ में आ जाएगा। नंबर दो, CUET के अंदर इसके जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, और एक क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बनकर के आते हैं, वो कैसे होता है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इश्यू, ये तीनों चीजें हम इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी अपना शेयर इश्यू कैसे करती है, और इश्यू में सिर्फ कौन से की बात करें अपन, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। नगद के लिए अगर कोई कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है तो वो किस तरह से करती है, और इंस्टॉलमेंट में जब पैसा मंगाती है तो इसकी एंट्रियां हमें पहले आनी जरूरी होती है। सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन की मनी जब हमें मिलती है तो क्या एंट्री करते हैं, एप मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन के पैसे जब आते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी अपना सारा काम बैंक से करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद में ये जो पैसा मिलता है इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है, शेयर एप्लीकेशन को जो हमने क्रेडिट किया था उसको वापस से डेबिट कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा एप्लीकेशन पे जो पैसा अलॉटमेंट में हमने डाला है तो इसकी एंट्री ये बनती है, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है यानी अधि अभिदान हुआ है तो ऐसे स्थिति में ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री में थोड़ा सा चेंज आता है, क्या चेंज आता है उसको देखिएगा, यदि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो, इफ ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जितने अंशों का आपको निर्गमन करना है उससे ज़्यादा अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो इसमें एंट्री में थोड़ी सी बड़ी एंट्री बन जाती है। क्या बड़ी एंट्री बन जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो आपको डेबिट करना ही करना है, जितना पैसा शेयर कैपिटल में जाना है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा पैसा आपको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है तो वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और बचा हुआ पैसा वापस लौटा देंगे। तो ये एंट्री कब करते हैं, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो यानी जितने अंशों का हमें निर्गमन करना है उससे ज़्यादा शेयर हमारे पास आ जाते हैं तब इस तरह से करना होता है, अदरवाइज नॉर्मल एंट्री। अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो ये एंट्री होती है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा उस टाइम होता ही नहीं है। नंबर तीन, उसके बाद में अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है, अलॉटमेंट जब ड्यू होता है यानी आवंटन दे होता है, पहले बताया जाता है कि भाई आपको आवंटन का पैसा देना है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू दो तरीके से होती है, एट पार पे और एट प्रीमियम पे। अगर एट पार पे होती है यानी जितने रुपए का शेयर है हमने उतने में इश्यू किया है, तब हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि अलॉटमेंट प्रीमियम पे ड्यू होता है, एट प्रीमियम, दोनों में से एक ही होगा, या तो होगा एट पार पे या होगा प्रीमियम पे। यदि प्रीमियम पे ड्यू होता है तो एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होती है तो दो तरीके से ड्यू होती है, एक तो एट पार पे, दूसरा प्रीमियम पे। एट पार का मतलब जितने रुपए का शेयर है उतने में हम इश्यू कर रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे ड्यू होती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और नाम आ जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक तरह का हमारा संचय है, रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंदर इसको दिखाते हैं, हेडिंग के अंदर इसको हम दिखाते हैं। उसके बाद में पैसा हमें मिलेगा इसका, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद में फर्स्ट कॉल करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं ऐसा मान लेता हूं कि फर्स्ट कॉल के साथ में सारा पैसा मंगा लिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी ड्यू होने पर एंट्री बनती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा मिल जाता है तो एंट्री करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल जाता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर मान लो फर्स्ट कॉल के साथ में बाद में सेकंड कॉल और हो तो एंट्री ऐसे बनेगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगी, एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो छह एंट्रियां मैंने आपको बताई है शेयर के इश्यू करने की, और हरण की अगर आपके फाइनल कॉल अलग से हो, सेकंड कॉल अलग से हो, तो आठ एंट्रियां बन जाएगी। तो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, ड्यू दो तरीके से होता है, एक तो एट पार पे, दूसरा प्रीमियम पे। फिर उसका पैसा मिलता है, फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू होती है उसके बाद में रिसीव होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अंशों के हरण की। फोर फीचर का मतलब क्या होता है अंशों का हरण, फोर फीचर का मतलब होता है कंपनी के शेयर को ले लेना वापस। कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है, और अगर कोई व्यक्ति समय पर पैसा नहीं देता है, आपका कॉल मनी नहीं चुकाता है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाता है, तो उसके शेयर वापस से हम ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर जब करते हैं तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, अगर हम शेयर फोरफिटेड कर रहे हैं तो एट पार पे इश्यू किए गए जो शेयर है उनको फोरफिटेड करें तो क्या होगा, प्रीमियम पे इशू किए गए शेयर है जिनका पैसा मिल गया है तो उसका क्या होगा, और प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए हैं और उसका पैसा प्रीमियम का नहीं मिला है तो क्या करेंगे। तीन कंडीशन बनती है, फोरफीचर ऑफ शेयर, एट पार पे कोई शेयर इश्यू किए गए थे उनका अगर आप फोर फीचर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, तो आपकी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी शेयर फोरफिटेड होगा तो शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जो पैसा उसका मिल गया है उसको डालेंगे फोरफिटेड में, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ऐसा हमें करना है। अगर आपने फोरफिटर किया शेयर का, एट पार पे जो शेयर इशू किया गया था उनको, अगर प्रीमियम पे इशू किए गए शेयर का फोरफिचर करते हो आप, दूसरा इशू एट प्रीमियम इफ प्रीमियम
रिसीव्ड। अगर आपका प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो सेम एंट्री बनेगी, यही एंट्री बनेगी। अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो यही एंट्री बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने एट पार पे इश्यू किए गए शेयर का फॉरफीचर किया है, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, जो जो पैसा बाकी है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो पैसा आ गया है उसको फॉरफीटेड में डाल देंगे। अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किए गए शेयर का फॉरफीचर किया है तो प्रीमियम अगर आपको पहले से रिसीव हो गया यानी अलॉटमेंट का पैसा बाकी नहीं है तो भी यही एंट्री बनेगी। मान लो कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो आपको अलॉटमेंट या नाम में रखना है, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो यहाँ पर केवल फर्स्ट कॉल का नाम आएगा। इफ प्रीमियम ड्यू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इफ प्रीमियम ड्यू, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, इफ प्रीमियम ड्यू अगर प्रीमियम बाकी हो, प्रीमियम आपका बाकी हो, ड्यू हो, बकाया हो तो क्या करोगे। जब प्रीमियम अगर आपका बकाया होती है तो एंट्री ही रहनी है, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट और करना होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये एंट्री बनती। ऐसा हमें कब करना पड़ता है, जब प्रीमियम आपका ड्यू हो, बाकी हो, प्रीमियम ड्यू नहीं, प्रीमियम जब बकाया हो, एरियर हो, जब प्रीमियम बाकी हो, प्रीमियम जब आपका बाकी हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हमें डेबिट करना होता है। उसके बाद में हम करते हैं री इश्यू ऑफ शेयर। अगर शेयर आप री इश्यू करते हो, री इश्यू अलग अलग तरह से करोगे। एट पार, अगर री इश्यू एट पार पे करते हो तो क्या करोगे, दो एंट्रियां बनेगी री इश्यू पे। पहला पैसा आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो शेयर फॉरफिटेड का पैसा है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एट पार के अलावा आप कैसे इश्यू कर सकते हैं, आप एट प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं। अगर आपने री इश्यू किया है एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे करोगे तो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दूसरी एंट्री सेम बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तीसरा, अगर आप इश्यू करते हैं कैसे, डिस्काउंट पे, अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री सेम बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान देना है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर प्रीमियम बट्टे पे शेयर इश्यू, बट्टे पे शेयर इश्यू नहीं है, री इश्यू है। डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर री इश्यू किया जा सकता है, और कितना डिस्काउंट दे सकते हैं हम, जितना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना बैलेंस होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उतना आप डिस्काउंट दे सकते हैं। शेयर कैपिटल में कितना कोल्ड अप मनी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे री इश्यू कितने में किया है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो,
बचा हुआ पैसा इसमें ट्रांसफर कर दूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना पैसा उसको लिख दूँ, और यहाँ पर जितना पैसा आपने लिया है फॉरफिटेड से, जितना बैंक से आ गया उसका, ये तो कुल मिला के आपको पहले, सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री आनी चाहिए, 6 मैंने अभी की है, 8 हो सकती है अगर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अलग से हो तो। उसके बाद में आपको आना चाहिए फॉरफीचर की एंट्री, 3 एंट्रियाँ हैं, एक एंट्री याद रख लो सब हो जाएगा, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट करना है, बाकी तो कुछ है नहीं स्पेशल। री इश्यू के अंदर भी आपको ये एक एंट्री याद करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो नीचे आ जाएगा शेयर कैप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और डिस्काउंट पे इश्यू किया तो शेयर प्रॉफिट डेबिट में आ जाएगा, दूसरी एंट्री कॉमन है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एंट्रियाँ हो गई, जैसे एंट्रियाँ हमारे दिमाग में हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद में आती है बात कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है, कृष्णा लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक अंश की 15,000 अंशों को 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया, 100 रुपये वाले अंश को 110 रुपये में जारी किया, ठीक है, एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 50 रुपये, प्रथम एवं अंतिम मांग पर 30 रुपये, सभी अंशों पर अभिदान प्राप्त हुआ, कंपनी ने सभी देय राशि 150 अंशों पर आवंटन और मांग राशि के अतिरिक्त प्राप्त की, इन अंशों का हरण कर लिया, 150 अंशों को छोड़ करके बाकी सब पर पैसे मिल गए हैं, इन अंशों को नेहा को 120 रुपये प्रत्येक में पूर्ण प्रदत्त मान करके पुनर्निगमन कर दिया है। उपरोक्त प्रश्न के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको कई सारे प्रश्न इसके आधार पर पूछेंगे, सीयूटी में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब मैं ये आपको पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद में सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको देखना कितने कितने रुपये मंगाए, 30 रुपये मंगाए हैं एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन की एंट्री हमारे दिमाग में होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 30 रुपये के हिसाब से 15,000 अंशों का पैसा हमारे पास आएगा, हमें शेयर इश्यू कितना करने हैं, 15,000 पूरे आए हमारे पास तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख, कितना पैसा आ जाएगा, 30 रुपये के हिसाब से 15,000 अंशों का हमारे पास हो जाएगा 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये हमारे पास आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जितना पैसा है वो किस में डाल देंगे अपन, कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अलॉटमेंट के लिए हम कॉल करेंगे, अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए आपको, अगर कहा 50 रुपये चाहिए 15,000 अंशों का, तो कितना हो जाएगा, 25, 5 और 7, 10 रुपये से होते हैं कितने, 1.5 लाख, तो 7.5 लाख, टोटल पैसे कितने चाहिए, 7.5 लाख। ध्यान देना है यहाँ प्रीमियम के अलावा वाली राशि डालनी है, यहाँ देखो 40 रुपये तो है अलॉटमेंट के, 10 रुपये प्रीमियम के हैं, आपको होगी कैसे पता चला, क्योंकि प्रीमियम कितने रुपए का है, प्रीमियम 10 रुपये का है इसलिए पता चला, तो यहाँ पर 40 × 15,000 जाएंगे और यहाँ पर 10 × 15,000 जाएंगे, तो 40 × 15 6 लाख रुपए चले जाएंगे कैपिटल में और 1.5 लाख रुपए चले जाएंगे अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे हो रही है, यहाँ पर प्रीमियम पे ड्यू हो रही है, एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, दो तरीके से ड्यू होती है अलॉटमेंट, एक तो एट पार पे, एक प्रीमियम पे, एट पार पे होता है तो प्रीमियम का नाम नहीं होता है, और प्रीमियम पे होता है तो एक एक्स्ट्रा नाम होता है प्रीमियम। अब ये पैसा मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, ये पैसा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने 150 अंशों पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है, तो अलॉटमेंट मनी का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अलॉटमेंट मनी का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे 50 रुपये चाहिए, 15,000 अंशों का चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए, 7.5 लाख, 7.5 लाख में से एक व्यक्ति का पैसा हमारे पास नहीं आया, जिसको हम कॉल से नेरियर कहते हैं, कितना है, 150 अंशों का 50 रुपये के हिसाब से नहीं आएगा, 150 अंशों का 50 रुपये के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0, 0, 25, 5, 6, 7, 7,500 नहीं आएगा, 10 में से गए 5, 9 में से गए 7, 2, 4, 7,42,500 रुपये आएंगे, बैंक से कितने आएंगे, 7,42,500, तो यहाँ एंट्री होगी 7,42,500 रुपये बैंक से, बकाया कितना रहेगा, 7,500, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 7.5 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 7.5, अगर हम जानना चाहते हैं कैसे कैसे आए, तो हम 14,850 शेयर का पैसा आएगा 30 रुपये के हिसाब से, 150 अंशों का पैसा नहीं आएगा 50 रुपये के हिसाब से, 30 रुपये नहीं 50 रुपये के हिसाब से, तो टोटल मिला देंगे तो हमारे पास 7.5 लाख हो जाएंगे।
फिर फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल कितने रुपए से करेंगे, फर्स्ट कॉल हमारे 30 रुपए से, फर्स्ट कॉल करेंगे 30 रुपए के हिसाब से 15,900 का पैसा मांगेंगे हम, 4.5 लाख रुपए हमें चाहिएंगे। लेकिन जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो भी नहीं देगा, तो यहाँ पे पैसा आएगा आपके पास 14,850 शेयर का ही आएगा, 14,850 शेयर का पैसा ही आएगा। यानी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी आपका बाकी रहेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम 30 रुपए के हिसाब से मांगेंगे 15,000 अंशों का, कितना होता है 4.5 लाख रुपए। इसमें से एरियर कितना रह जाएगा, एरियर यानी बकाया 30 रुपए के हिसाब से 150 अंशों का 4,500 रुपये होता है, घटा देंगे 0 0, 10 में से गए 5, 9 में से गए 4, तो 5 4 4, 4,45,500 या 55,500, 4,55,500, 55,56,000, 4,55,500, 4,55,500, 4,55,500, 4,55,500 आ जाएगा यहाँ पर, टोटल आ जाएगा 4,50,000। यहाँ पे कैसे आया 30 × 150। कॉल सिनेरियो की एंट्री आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी चलेगा। कॉल सिनेरियो की एंट्री यहाँ नहीं करते हो तो आप 4,45,500 से करोगे, यहाँ पर 7,42,500 से करोगे, अगर कॉल सिनेरियो की एंट्री नहीं करते हो। जब कॉल सिन एरियर होता है तब कॉल सिन एरियर डेबिट होता है, और पैसा इसका अगर मिल जाता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, नहीं मिलता है तो हरण के समय वापस से क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। अब हम हरण की एंट्री करेंगे। ये 6 की 6 एंट्रियाँ तो क्या थी आपकी, 6 की 6 एंट्रियाँ थी आपकी इशू की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ये तो इशू की थी। अब फोर फीचर की एंट्री है, फोर फीचर यानी हरण की एंट्री है। हरण की एंट्री जब करते हैं तो हमें देखना है हरण कैसे कर रहे हैं। हमने आपको हरण की एंट्रियाँ बताई थी, एट पार पे इशू किए गए अंशों का हरण, प्रीमियम पे किए गए अंशों का हरण, प्रीमियम अगर आपको मिल गया हो, और प्रीमियम नहीं मिला हो तो यहाँ पे अलॉटमेंट बाकी है, और प्रीमियम कहाँ पर मंगा रहे हैं, हम अलॉटमेंट पे। जब प्रीमियम अलॉटमेंट पे हम मंगा रहे हैं और प्रीमियम की अलॉटमेंट की पैसे बाकी है, इसका मतलब प्रीमियम भी बाकी है, तो एंट्री कौन सी बनेगी, ये वाली एंट्री बनेगी हमारी, ये वाली। क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 × 100। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल में जितने रुपए का शेयर है उसे ना तो कम आएंगे ना ज़्यादा आएंगे, कॉल्ड अप मनी आती है इसके अंदर, पूरे पैसे अगर आपने मांग लिए तो कितना आ जाएगा 15,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा 150 × 10, 10 रुपये प्रीमियम है तो 1,500। अलॉटमेंट का कितना बाकी है, अलॉटमेंट का है 7,500। फर्स्ट कॉल का कितना बाकी है, फर्स्ट कॉल का बाकी है आपका 30 रुपये के हिसाब से 150 अंशों का 4,500 रुपये, बच गया वो किस में आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा। तो 16,500 में से ये घटा देते हैं अपन 16,500 में, तो 7,508, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये अगर 16,500 में से घटाते हैं तो 4,500 बचते हैं, तो शेयर फॉरफिटेड में कितने पैसे आ जाएंगे 4,500। ये कौन सा पैसा होता है, अप्लीकेशन का पैसा होता है जो हमें प्राप्त हो चुका है। कैसे आ जाता है, बैलेंसिंग फिगर से आ जाता है। ये हरण की एंट्री है, वापस से देखिए, हरण की एंट्री करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है कितने से, कॉल्ड अप अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 100 रुपये का शेयर था, पूरे 100 हमने मांग ली है, और नंबर ऑफ शेयर कितना, 150, टोटल कितना हो जाएगा 15,000। प्रीमियम का पैसा नहीं आया क्योंकि उसने अलॉटमेंट भी नहीं चुकाया, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम का रुपया कितना 10, 150 को 10 से मल्टीप्लाई करते इसको भी डेबिट कर देंगे। अलॉटमेंट में बकाया था हमने देख के लिख दिया, वर्किंग नोट में जो किया था यहाँ पर भी देख के लिख दिया, सेल्फ ऑफिडेट का ऑटोमेटिक आ जाएगा। रीइश्यू कैसे करना है, आपको कर रखा है 100 रुपये वाले शेयर को नेहा को 120 रुपये में रीइश्यू कर दिया, इसका मतलब हमें फ़ायदे में किया है, हमने फ़ायदे में रीइश्यू किया है। हमारे पास हरण के पास कितना पैसा पड़ा है, हरण किया हुआ हमारे पास 4,500 रुपये पड़ा है, इसको हम रीइश्यू के समय काम में ले सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने 150 अंशों को 120 में रीइश्यू किया, हमें नहीं चाहिए था 120, हमें कितना चाहिए था, सिर्फ 100 रुपये चाहिए था। शेयर कैपिटल में सिर्फ 100 रुपये जाते हैं, तो हमें 15,000 ही चाहिए था, हमें तो 15,000 चाहिए था, लेकिन हमारे पास आ गया कितना 18,000, है ना। एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, वो 20 रुपये इसमें डाल देंगे, 3,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल देंगे।
अब जैसे ही अंशों का पुनर्निर्गमन हो जाता है, शेयर रीइश्यू कर देते हैं, तो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कितना है? 4500 रुपये। 4500 रुपये को हम किस में डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ऐसे किया जाता है। अगर शेयर फॉरफिटेड का पैसा यहाँ पर हम काम में लेते हैं तो उस पैसे को इसमें से घटा करके जो बचता है उसको इसमें ट्रांसफर कर दें कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड का पैसा कैपिटल रिजर्व में कब जाता है? जितने अंशों का रीइश्यू हो जाता है उतने का जाता है, बाकी का नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन हमने करके देखा है। अब इस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में सीयूटी में कैसे पूछते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन, प्रतिभूति प्रीमियम संचय में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम एक्युमुलेशन विल बी। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको, यानी बड़ा क्वेश्चन दे करके फिर उसमें से पूछेगा कि पैसे कहाँ जाएंगे, बताओ कितने जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम एक्युमुलेटेड विल बी, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, ये प्रश्न आपको पूछा गया है प्रतिभूति संचय में। और प्रतिभूति संचय में कब? आवंटन के समय। यहां पे लिख देता हूं मैं, अलॉटमेंट के समय, आवंटन के समय, आवंटन के समय, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, आवंटन के समय प्रतिभूति प्रीमियम संचय में कितने पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो हमें आवंटन की एंट्री आनी चाहिए, ये वाली, ये एंट्री आनी चाहिए अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने पैसे गए? 1.5 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने पैसे गए? 1.5 लाख रुपए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये आवंटन के समय का नया, अगर ये पूछता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनली कितने जाएंगे, फाइनली कितने जाएंगे, है ना, आफ्टर रीइश्यू, आफ्टर रीइश्यू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने पैसे जाएंगे, तो हमें पता है हमारे पास 1.5 लाख रुपए बैलेंस था, लेकिन उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने डेबिट भी किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास यहाँ पे और भी आया है, यहाँ हमने डेबिट भी किया 1500 पैसे तो डेबिट किया हमने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1500 रुपये से तो हमारा डेबिट है, तो माइनस करेंगे, प्लस रीइश्यू के समय और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, रीइश्यू के समय कितना सिक्योरिटी प्रीमियम आया है? 3000 रुपये आए, तो 3000 रुपये तो जुड़ेगा और ये घटेगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये 3000 प्लस के 1500 बचे हैं, तो 1500 एक 1.5 लाख में जोड़ दूँ कितना हो जाएगा? 151500। ये रिजर्व एंड सरप्लस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ी क्वेश्चन में से इस तरह से पूछ लिया जाए, ठीक है। और देखते हैं, अंशों के आवंटन की राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि की जाएगी। अंशों के आवंटन की राशि प्राप्त होने के तो नॉर्मल है, आप भी कह दोगे कि सर ये तो नॉर्मल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन राशि कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो पहली एंट्री आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गई अलॉटमेंट के ड्यू होने के, तो ये गलत है, ये वाला है नहीं। अब दो पर बात करते हैं, अगर कॉल सीनियर की एंट्री की जाती है तो ये वाली एंट्री, नहीं तो ये, लेकिन इसमें पैसे गलत लिखे हुए, नहीं तो दोनों सही हो जाते हैं। तो राइट एंट्री ये हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये हमने एंट्री पहले से कर रखी है, नहीं कर रखी है तो पहले करनी पड़ती है, करके देखनी पड़ती है। अलॉटमेंट का पैसा अगर आपको मिलता है तो एंट्री करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट डेबिट 7,45,500 कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे कॉल सीनियर की एंट्री नहीं करते तो क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिट 7,42,500 टू शेयर अलॉटमेंट 7,42,500। ऐसे भी की जा सकती है, यहां अगर आपको यह नहीं देता तो ऐसे भी दे सकता था, यहां पे बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट भी किया जा सकता है, ऐसा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, फिर 7,42,500 ही मिलेगा दोनों जगह, प्रीमियम इसका नाम ही नहीं आएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये एंट्री ठीक है, लेकिन अमाउंट का लोचा है यहाँ पे, अमाउंट गड़बड़ है, तो इसलिए गलत हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो बड़े क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चन आपको बंद करके आता है। अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता तथा प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर फॉरफीचर करते हैं तो कितने से करेंगे? 15,000, 1500, 1500, 15,000, 15,000, 0, 0, 15,000। तो हमने किया है शेयर फॉरफिटेड के समय, शेयर कैपिटल भी डेबिट करते हैं अपन, शेयर कैपिटल को भी हम डेबिट करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम भी बाकी है,
कैसे 150 अंशों का 100 रुपए से कितना आना चाहिए और 150 अंशों का 10 रुपए प्रीमियम से कितना होना चाहिए। तो 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में और 1500 इसमें, ये राइट हो जाएगा। 15,000 और 1500 वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अंशों के हरण पर अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाएगा। ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितने से क्रेडिट किया जाएगा? 4500 रुपए से किया जाएगा। तो लेकिन पूरी एंट्री हमें आनी चाहिए तब जाके कर पाएंगे। ये देखो, ये ना 4500 रुपए। पहले हम क्या करेंगे, ये पूरी एंट्री करेंगे, ये पूरा करेंगे, कितना किसका बकाया है तब जाकर के आएगा, ठीक है। समझ गए तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंशों के पुनर्निगमन पर अंश जब्त खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण पर प्रविष्टि की जाएगी। ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर द बैलेंस इन द फॉरफिटेड अकाउंट इंटर्ड ऑन द ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट एक्युमुलेशन या रिजर्व। तो क्या एंट्री करेंगे? तो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस हमें पता है क्रेडिट होता है, जब ट्रांसफर करेंगे उसको कैपिटल रिजर्व में तो डेबिट करेंगे। तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व होगा एंट्री, तो अमाउंट को चेक करना है। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट ठीक नहीं है यहाँ पे, ये होगी नहीं, ये होगी नहीं। तो पहली एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 4500 रुपये से एंट्री बन जाएगी। तो बड़ा क्वेश्चन हमारा ये था। अब इसी क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पूछ ले, तो CUT में क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे, है ना, 1 से 5 आपके 5 क्यों, एक क्वेश्चन दे दिया उसमें से 5 क्वेश्चन पूछ ली। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको क्या समझाया, शेयर इश्यू कैसे करते हैं, शेयर फॉरफीचर कैसे करते हैं और शेयर रीइश्यू कैसे करते हैं, और CUT में उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, उनके क्वेश्चन भी करके आपको हमने बता दी। बात समझ में आई ना? तो इस तरह से बड़ा क्वेश्चन दे देता आपको और उसके बाद उसी में से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेनिफिट आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ पर आपको, अगर 12th में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली 12th में होगी, तो 12th के जो विद्यार्थी हैं उनको आपके बोर्ड में भी ये काम आ जाएगा। नंबर दो, अगर आप 12th के बाद में ग्रेजुएशन करते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो CUT में इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।